आप सभी का स्वागत है ईआईएस प्रोस्क्रिप्शन में। बीटीयूपी के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद ही जस्ट आप लोग के स्कूटनी के और उसके बाद से जो आप लोग के पुनः मूल्यांकन कापी कराए जाने को लेकर यानी कि रीचेकिंग के जो फॉर्म थे वो भी जारी कर दिए गए कि जितने भी छात्र छात्राओं के रिजल्ट में किसी भी तरीके का बैक है या फिर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आप लोग फिर से अपनी कॉपी को चेक करवाना चाहते हैं तो आप लोग दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्कूटनी का हो या फिर आप लोग की रीचेकिंग का हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जिन भी छात्र छात्राओं ने फॉर्म को जल्दीबाजी में अप्लाई कर दिया और एक गलती हो गया कि जहाँ पे आप लोग को थ्योरी के सब्जेक्ट देने थे वहाँ पे आप लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए जो फॉर्म था वो अप्लाई कर दिया। वैसे आप लोग थ्योरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे लेकिन वो प्रैक्टिकल का हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जिन भी छात्रों के ऐसे फॉर्म में गलती हो गई थी दोबारा आप लोग फॉर्म को अप्लाई भी नहीं कर सकते थे और यहाँ पे कई सारी समस्या देखने को मिली। तो अब आप लोग के लिए एक ऑफिशियल सूचना जारी कर दी गई है। अगर आप लोग के फॉर्म में गलती है तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, बाकी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो फिर आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें जहाँ पे बताया गया कि प्रेषक जो कि सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया और यहाँ पे बताया गया कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2021 के परीक्षा फल से संबंधित स्कूटी एवं पूरा मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। और अब यहाँ पे देखें तो बताया गया दिनांक 13/5/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के अनुक्रम में विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक परीक्षा दिसंबर 2021 में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं की स्कूटी एवं पूरा मूल्यांकन के फॉर्म भराए जा रहे हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना कि कदापि छात्र छात्राओं द्वारा स्कूटी एवं पूरा मूल्यांकन के फॉर्म में लिखित विषय के स्थान पर प्रयोगात्मक विषय भर दिया गया हो तो उक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार भुगतान होने के पश्चात जिन छात्र छात्राओं द्वारा लिखित विषय के स्थान पर प्रयोगात्मक विषय भर दिया गया उनके प्रयोगात्मक विषय को संबंधित लिखित विषय में परिवर्तित करते हुए छात्र छात्राओं का स्कूटनी एवं पूरा मूल्यांकन हेतु आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूटनी एवं पूरा मूल्यांकन के फॉर्म भरे जाने में कोई अन्य समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए अनुभाग 3 के ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे दिया गया है सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सभी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में छात्र छात्राओं को परिषद कार्यालय में ना भेजें, अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरोध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अब यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जिनके भी फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी गलती हो चुकी थी, खासतौर पे गलती तो आप लोग के प्रैक्टिकल और थ्योरी के सब्जेक्ट में ही लेकर हुआ था, तो अब आप लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर आप लोगों ने भले प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पर टिक कर दिया हो, जाने अनजाने गलती से पेपर कोट को लेकर हुआ हो, तो भी आप लोग को कोई भी चिंता नहीं करना है। जिस भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पर आप लोग का टिक हुआ हो पेपर कोट के अकॉर्डिंग, तो भी आप लोग का वो थ्योरी का ही माना जाएगा और पूरा जो काम है वो आप लोग के थ्योरी के नंबर को लेके किया जाएगा, चाहे वो स्कूटनी का हो या फिर आप लोग के रीचेकिंग का हो। तो अब ये काफ़ी बेहद छात्रों के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है। जिनके भी फॉर्म में ये थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेके जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी तो अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जो कि आप लोग को ऑफिशियल सूचना यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आप लोग के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 जो लिंक है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है, पहला रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा फीस पेमेंट का है और तीसरा आप लोग के रिप्रिंट का है। तो वो जो फिलहाल अभी कोई भी एक्टिवेट नहीं है और ना ही आप लोग उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो आपको अपने कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रिंट आउट होगा और जो आप लोग के पेमेंट का है वो दोनों ले लीजिए। साथ में रिजल्ट को लेकर आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, जो कि सभी के लिए जिनके फॉर्म में गलती हुई या फिर जिनके फॉर्म में गलती ना भी हुआ तो भी आप लोग को ये काम करना ही है, अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई भी सवाल रह जाए तो अपने सवाल